नमस्कार, मैं हूँ आंचल सिंह। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के वजन पर कमेंट किया तो ये उनकी पत्नी यानी कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को रास नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने इस पर एक ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे की क्लास लगा दी। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने चुन चुन कर उद्धव ठाकरे को जवाब दिया है। जो कुछ भी उद्धव ठाकरे ने कहा था उस सब पर उन्होंने ठोक कर जवाब दिया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ठोक कर जवाब मिलेगा। तो देवेंद्र फडणवीस के बाद उनकी पत्नी ने भी जोरदार हमला किया है उद्धव ठाकरे पर। आपको पता है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के वजन का मजाक उड़ाया था। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद पर अगर देवेंद्र फडणवीस चढ़ते तो उनके वजन से वैसे ही बाबरी गिर जाती। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस ने तो जवाब दिया, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने भी ट्विटर पर एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि वजनदार ने हल्के को बस हल्के से ही वजन से कल हल्का कर दिया। ये जो उनका ट्वीट आया है उसके जो मायने निकाले जा रहे हैं वो उद्धव ठाकरे को लेकर ही निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट में उन्होंने लिखा है #महाराष्ट्र। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अमृता फडणवीस ने ये कहा कि वजनदार ने हल्के को, यानी कि देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने वजनदार बताया और उद्धव ठाकरे को हल्का बताया है, और ये लिखा है कि वजनदार ने हल्के को बस हल्के से ही वजन से, यानी कि ये तो बहुत कम था, ये बहुत ही कम वजन था देवेंद्र फडणवीस का जो कल देखने को मिला है, उसी से उन्होंने हल्का कर दिया है उद्धव ठाकरे को। ये जब ट्वीट आया उसके बाद बहुत सारे इस पर कमेंट भी आने लगे। लोग ये बताने लगे कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने मजा चखा दिया। जो कुछ भी उनके तरफ से पर्सनल कमेंट किए गए थे उस पर देवेंद्र फडणवीस ने एक एक करके जवाब दिया है। देखिए किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को जमकर लताड़ा था। अरे मैं तो अयोध्या जा रहा था, मैं तो बाबरी गिरा रहा था, मैं तो मंदिर बना रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अरे हा, मी गेलो तो बाबरी पाडण्या करता याचा मला अभिमान आहे। अरे उद्धव जी, 1992 साली फेब्रुवारीत मी नगरसेवक झालो, जुलैमध्ये मी वकील झालो आणि डिसेंबरमध्ये नगरसेवक ॲडव्होकेट देवेंद्र फडणवीस बाबरी पाडायला गेला होता। सहलीला चला नाही, अरे लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये कहते हुए गए थे। क्या कहते हुए गए थे? लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तुम्ही गेले होते सहलीला, आम्ही नव्हतो गेलो सहलीला। अरे तेव्हा तर सोळाच, त्याच्या एक वर्ष आधी ज्यावेळी पहिली कार सेवा झाली आणि आमच्या कोठारी बंधूंना त्या ठिकाणी मारलं तरी देखील भगवा झेंडा त्या बाबरी ठाच्याच्या वर आमच्या कोठारी बंधूंनी लावला, त्याही कार सेवेला हा देवेंद्र फडणवीस गेला होता। आणि नुसता गेलाच नव्हता, अनेक दिवस बदायूच्या जेलमध्ये देखील होता। आज भी बदायू के जेल की वो सलाखे याद है, जहां पर हम राह देखते थे कि चलो हम तो पहुंचे हैं, कोई तो शिवसेना वाला पहुंचेगा पहुंचेगा पहुंचेगा, कोई नहीं आया। हम इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। अरे एवढंच नाही, त्याच्याही आधी 19व्या वर्षी त्या ठिकाणी काश्मीर मध्ये हिंदूंवर अत्याचार चालू झाला, तर विद्यार्थी परिषदेसोबत त्या काश्मीर मध्ये देखील जाऊन आतंकवाद्यांचा मुकाबला करण्याकरता तिथे मनोबल वाढवण्याकरता गेलेला हा देवेंद्र फडणवीस आहे। आम्ही 5-स्टारचं राजकारण नाही केलं, जमिनीवरचं राजकारण केलंय। और जब भी जाते थे, जेमा जेमा गेलो, तिकीट काढायला पैसे होते पण ठरवलं राम तिकीट काढून जाओ, कधी तिकीट काढलं नाही, कुठल्या हॉटेलला झोपलो नाही, झोपलो तर प्लॅटफॉर्मवर, झोपलो तर त्या ठिकाणी फुटपाथवर, झोपलो तर मंदिरामध्ये। सगळ्यांसोबत संघर्ष केला, गोळ्या चालताना पाहिल्या, लाठ्या मारताना पाहिल्या, लाठ्याही खाल्ल्या, म्हणून इथपर्यंत पोचलो, सोन्याचा चमचा घेऊन पैदा झालेलो नाहीये।
आणि जेव्हा त्या अयोध्यामध्ये बाबरी ढाचा पडत होता आणि आम्ही म्हणत होतो लाठी गोली खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तेव्हा सांगा शेपट्या कोणी टाकल्या होत्या आणि कुठे टाकल्या होत्या, कोणी टाकल्या होत्या आणि कुठे टाकल्या होत्या आम्हाला एकदा सांगा उद्धवजी। आणि म्हणून कार सेवको का मजाक उडाने वालो को मैं कहना चाहता हूं, अरे जब भी इस देश को आवश्यकता होगी हम फिर कार सेवक बनकर जाएंगे और इस देश की धर्म को संस्कृति को और सुरक्षा को उसकी रक्षा करने के लिए हम जाएंगे।